हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, कोल एंड पेट्रोलियम। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। हम लोग हमारी बेसिक नीड्स यानी हमारी जो डेली रूटीन की आवश्यकताएँ हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नेचर से हमको मिलती है और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू बनाई जाती है। आज हम कुछ ऐसी ही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉयल एंड मिनरल्स? सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेंड फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी मटेरियल्स या जो भी चीज़ें हमको नेचर से मिलती है उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ये हम लोग सब जानते हैं। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? एग्जॉस्टेड का मतलब ये होता है ख़त्म हो जाना। क्या सॉइल, एयर, वाटर ये ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के थ्रू ख़त्म हो जाती है? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। इज वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू 2 kinds। अब इनमें से इन नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एग्जॉस्टिबल होती है, कुछ इनएग्जॉस्टिबल होती है, तो इनको 2 kinds में क्लासिफाइड किया हुआ है। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब वो नेचुरल रिसोर्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू एग्जॉस्ट नहीं किए जा सके, मतलब ख़त्म नहीं हो, अनलिमिटेड क्वांटिटी में वो अपने को अवेलेबल हो हमेशा के लिए। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट और एयर। क्या हम सनलाइट को एक बार यूज़ कर लेंगे तो वापस हमको वो सनलाइट नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है। डेली हम उस सनलाइट को यूज़ करते हैं, डेली हमको वापस उतनी ही क्वांटिटी में सनलाइट मिलती है। सिमिलरली यही चीज़ एयर के साथ है। अब अगला जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। नेचर के अंदर इन रिसोर्सेज का अमाउंट लिमिटेड होता है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर ह्यूमन बीइंग उनको यूज़ करेंगे तो उनकी एक्टिविटीज़ के थ्रू ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट्स यानी पेड़, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। आज का जो हमारा चैप्टर है वो मेनली कोल और पेट्रोलियम बेस्ड है। तो कोल और पेट्रोलियम ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ख़त्म हो जाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम उन्हीं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है मीन्स कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स के थ्रू बनते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। सबसे पहले हम कोल के बारे में पढ़ेंगे। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। इट इज़ अ हार्ड एज स्टोन एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर। आपने कोल के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा और देखा भी होगा। बिल्कुल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसी तरह से कोल आपको नज़र आता है, एक हार्ड स्टोन की तरह ब्लैक कलर का पीस होता है ये। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। और कहाँ इसका यूज़ लेते हैं ये भी हम जानते हैं। कोयले का कहाँ यूज़ करते हैं? ज़्यादातर खाना बनाने में, रेलवे इंजन्स को स्टीम प्रोड्यूस करने में, स्टीम इंजन में। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। और इसके साथ साथ एज ए फ्यूल इसको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। स्टोरी ऑफ कोल। अब ये कोल हमको मिला कैसे, उसके पीछे की क्या स्टोरी है ये हम पढ़ रहे हैं। अबाउट 300 million ईयर अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट। लगभग 300 million साल पहले अर्थ के ऊपर डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल थे, लो लाइंग वेटलैंड एरियाज़ में, जो नीचे की तरफ के समुद्री इलाके हैं वहाँ पर। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। बाढ़ आने से या कुछ ऐसी नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से वो जो फॉरेस्ट हैं वो सॉइल के अंदर दब गए हैं। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर दे वर कंप्रेस्ड। और जैसे जैसे सॉइल उनके ऊपर डिपॉजिट होती गई वो नीचे की तरफ दबते गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सेंक डीपर एंड डीपर। और जितना ज़्यादा डीपली वो फॉरेस्ट के जो रिमेन्स थे वो गए, उतना ज़्यादा वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर द डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कॉल। और
जब उन प्लांट्स थे डेड प्लांट्स, उनको जैसे जैसे हाई टेम्परेचर मिला, हाई प्रेशर मिला, तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट होके किस में चेंज हो गए, कोल में। एज कोल कंटेंस मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इंटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। क्योंकि उस कोल का जो मेन कंपोनेंट है वो कार्बन है, तो और ये जो कन्वर्जन है यानी डेड प्लांट्स के थ्रू कोल की फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल। और कोल भी क्या है, एक तरह का फॉसिल फ्यूल ही है। When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide. जब coal को burn किया जाता है तो वो कौन सी gas produce करता है, carbon dioxide gas. Coal is processed in industries to get some useful product. अब इस coal को factories और industries के अंदर process करके कुछ और भी useful products बनाए जाते हैं, उनमें से है एक coke. It is a tough, porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. ये कॉक कार्बन की सबसे प्योर फॉर्म है। कॉक इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। अब इस कॉक का यूज़ कहाँ करते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज में स्टील बनाने के लिए, या फिर बहुत सारे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन यानी उनको बाहर निकालने के लिए, ज़मीन के अंदर से मेटल्स को बाहर निकालने के लिए। देन द नेक्स्ट इज कोल टार। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। अगर आपने जो अपनी सड़कें बनती होती है उसका डामर देखा होगा या सुना होगा, वो डामर ही एक तरह का कोल तार है। ब्लैक कलर का थिक लिक्विड है जिसके अंदर से बहुत बदबू आती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस थिंग्स। इस कोल तार का यूज़ बहुत सारे स्टार्टिंग मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होता है, इन एवरी डे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज लाइक सिंथेटिक डाइस, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एट्सेट्रा। यानी इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल्स है, जो रॉ मटेरियल्स है, वो कहाँ से मिलते हैं, कोल तार से मिलते हैं। इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मोथ एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम कोल तार। हमारे घर पे जो नेफ्थलीन बॉल्स हम कपड़ों के अंदर रखते हैं जो कपड़ों के कीड़ों को मारती है, वो भी कहाँ से बनती है, कोल तार से बनती है। दीज डेज बिटुमिन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड्स। आजकल जो रोड के डामरिंग का काम होता है उसमें बिटुमिन प्रोडक्ट का यूज़ किया जा रहा है इंस्टीड ऑफ कोल तार। कोल तार की जगह किसका यूज़ किया जा रहा है, बिटुमिन का। अब जो अगला कोल प्रोडक्ट है वो है कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब उस कोल से कोक बन रहा होता है उस टाइम पर, उस प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग जो गैस निकलती है उस गैस को बोलते हैं कोल गैस। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग। सड़कों पर जो लाइटनिंग लगी हुई होती है उसके अंदर इस कोल गैस का यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड न्यूयॉर्क अराउंड 1820। Nowadays it is used as a source of heat rather than light. और आज की डेट में इसका यूज़ कहाँ हो रहा है, लाइट की जगह इसका यूज़ हो रहा है हीट के सोर्स की फॉर्म में। देन एज अ फ्यूल एंड इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। द नेक्स्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज पेट्रोलियम। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। आप लोगों को पता है कि हम मोटरसाइकिल में, स्कूटी में, एक्टिवा में, कार में, इन सब के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं। और जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं उनके अंदर ट्रक, ट्रैक्टर, इनके अंदर हम क्या डलवाते हैं, डीजल। तो ये पेट्रोल और डीजल क्या है, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेंड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। ये पेट्रोल और डीजल हमको कहाँ से मिलते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स है पेट्रोलियम जो हमको ज़मीन के अंदर से ही मिलता है, उसके थ्रू इनको एक्सट्रैक्ट करके पेट्रोल डीजल को बनाया जाता है। द वर्ड पेट्रोलियम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा मीन्स रॉक यानी पत्थर और ओलियम मीन्स ऑयल, पत्थरों के अंदर से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम मीन्स पत्थरों के अंदर से निकलने वाला तेल। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म। अब आपने कोल की स्टोरी तो पढ़ी थी कि कैसे डेड वेजिटेशंस के थ्रू कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू कोल बन जाता है, तो पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी। समुद्र के अंदर जो जानवर रहते हैं उनके थ्रू ये पेट्रोलियम बनता है। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड, जब वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं
देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी, उनकी जो डेड बॉडीज होती है वो समुद्र के नीचे दब जाती है, एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और मिट्टी से वो डेड बॉडीज दब जाती है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, कई सालों के बाद एयर के एब्सेंस में, हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर के अंदर वो जो डेड बॉडीज होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस के अंदर. लुक एट फिगर 5.4, इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबाउ दैट ऑफ वाटर. व्हाई इज इट सो? अब ये इसके अंदर आपको दिख रहा है, इस फिगर के अंदर, ये जो 5.4 फिगर है इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि वाटर के ऊपर ऑयल और गैस की लेयर है. क्यों है ऐसा? क्योंकि ऑयल और गैस जो है वो वाटर के कंपेरेटिवली क्या हैं, लाइटर हैं, हल्के हैं, इसलिए इनकी जो लेयर्स है आपको वाटर के कंपेरेटिवली ऊपर नज़र आ रही है. द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया USA इन 1859. सबसे पहला ऑयल का जो कुआ था वो USA में खुदा कब, 1859 के अंदर. 8 years later in 1867 oil was struck at माकू में आसाम, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे कहाँ हुआ ये, आसाम के अंदर. इन इंडिया ऑयल इज हाई, ऑयल इज फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई, हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. रिफाइनिंग का मतलब पेट्रोलियम को कैसे प्योर करके और उसका यूज़ लेते हैं. पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ओनली लिक्विड, ऑयली लिक्विड. इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर. एक डार्क कलर का लिक्विड होता है जिसकी अनप्लीजेंट ऑर्डर होती है, यानी बदबूदार होता है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स एटसेट्रा. अब इस पेट्रोलियम के अंदर से क्या क्या चीज़ें निकलेगी, क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स उसके अंदर होते हैं, गैस होती है पेट्रोलियम, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेंट ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग. इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी. अब इन सारी चीज़ों को, यानी जो पेट्रोल है, डीजल है, पैराफिन वैक्स है, पेट्रोलियम के अंदर से इनको अलग करना, इस चीज़ को बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग. और ये चीज़ कहाँ होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर होती है. वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज आर गिवन इन टेबल 5.1. मेनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेंड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स. पेट्रोलियम से मिलने वाले जो सब्सटेंसेज हैं, चाहे नेचुरल गैस है, उनको कैसे टर्म करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स. दीज आर यूज इन मैनुफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, पॉलीथीन एंड अदर मेनमेड प्लास्टिक्स. और इनका यूज़ कहाँ करते हैं, इन पेट्रोकेमिकल्स का, डिटर्जेंट बनाने में, फाइबर बनाने में यानी पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक ये बनाने में, पॉलीथीन और दूसरे मैनमेड प्लास्टिक बनाने में. हाइड्रोजन गैस ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर. जो इस रिफाइनेशन में हाइड्रोजन गैस निकलती है उसका यूज़ कहाँ करते हैं, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में करते हैं. ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. पेट्रोलियम का कमर्शियल यूज़ कितना है, इसीलिए उस पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, काला सोना, ब्लैक गोल्ड. द नेक्स्ट इज नेचुरल गैस. नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल गैस. सीएनजी और एलपीजी का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये दोनों नेचुरल गैस है. नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स. क्यों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि पाइप्स के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. जब उसको हाई प्रेशर के अंदर भरा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. सीएनजी इज फॉर पावर जनरेशन. इट इज़ नाउ बींग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटेंट. और इस सीएनजी का यूज़ अभी कहाँ किया जाता है, व्हीकल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग है. इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल ऑल्सो. द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज. अब इसका मेन फ़ायदा क्या है सीएनजी का, कि इसको डायरेक्ट होम और फैक्ट्रीज के अंदर बर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स. सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस. नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल
फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स हैं जिनको बनाने के लिए नेचुरल गैस स्टार्टिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज़ आती है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में बहुत जगह नेचुरल गैस मिलती है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इंडिया में इन सारी जगहों पर ये नेचुरल गैस हमको मिलती है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स लाइक फॉरेस्ट, मिनरल्स एटसेट्रा। तो इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारी जो फोर्थ कमिंग जनरेशन होगी, आने वाली जनरेशन होगी, उनके लिए ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। तो हमारी क्या ड्यूटी है? हमारी ये ड्यूटी है कि हम इनको बहुत ही मतलब संभाल संभाल के इनका यूज़ करें। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इन टू दीज फ्यूल्स। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व दीज विल लास्ट ओनली इन फ्यू हंड्रेड ईयर्स। कुछ ही सालों में ये ख़त्म हो जाएंगे। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसके साथ साथ ही इन फ्यूल्स का जो यूज़ है वो एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न है। देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। इसके साथ साथ इनके यूज़ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम भी हमारे देश को फेस करनी पड़ती है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसीलिए हमको इन फ्यूल्स का यूज़ तभी करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट। उससे क्या होगा? एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो कम हो जाएगी, एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चल पाएंगे। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइजेज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल। तो जो PCRA है उसने क्या किया, कुछ टिप्स दिए हैं लोगों को कि कैसे पेट्रोल और डीजल सेव करें जब वो ड्राइव कर रहे हो। ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके कॉन्स्टेंट स्पीड पर अपनी गाड़ी को चलाएं। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दें, और अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दें। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। टायर प्रेशर को करेक्ट करें कि वो करेक्ट है या नहीं है। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। अपने व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस करवाएं ताकि पेट्रोल और डीजल की जो खपत है वो कम हो सके। तो बच्चों ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, इसीलिए ये एक ही वीडियो में ख़त्म हो गया है। इसकी PDF के अंदर मैंने नोट्स, क्वेश्चन आंसर सारे एक साथ ही भेज दिए हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।